अब मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है कि वो मेरा कल्याण करेगा। मेरा कल्याण जैसा जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष का मार्ग दिखाया है उस पर चलने से स्वयं होगा, मुझे अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा। वो ब्रशधार भवसुख बांछा भाने, और वो उस मोक्ष के मार्ग को, उस रत्नत्रय धर्म को अंगीकार करके फिर संसार के भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि वे भौतिक सुख उसे दुख के कारण जान पड़ते हैं, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ऐसी दृष्टि होते ही फिर अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जब एक बार प्राप्त हो गई तो फिर देह की सुख सुविधाओं को कोई ज्यादा क्यों खोजेगा। तो देहाशक्ति घटना शुरू हो जाती है। देह के प्रति ना अनुराग है ना उससे घृणा है। वैसे अगर देखा जाए